प्यारे मित्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कथाओं का हम लोग श्रवण, वर्णन, अध्यापन कर रहे हैं और आज की कथा है ब्राह्मण पत्नियों को भगवान आशीर्वाद देते हैं। एक समय की बात है जब वृंदावन के सभी ग्वाल बाल वृंदावन के जंगलों में गैया चरा रहे थे, तभी उन्हें अचानक जोर से भूख लगती है और वो भगवान से इस प्रकार कहते हैं, हे महाबाहु राम अर्थात बलिराम, हे दुष्ट दलन कृष्ण, हम सब भूख से त्रस्त हैं, इसलिए आपको कुछ करना चाहिए। भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों की बात सुन के कहते हैं कि तुम लोग यज्ञशाला में जाओ, जहां वैदिक आदेशों में निपुण ब्राह्मणों का एक समूह स्वर्ग जाने की इच्छा से इस समय अंगिरस यज्ञ कर रहा है। हे ग्वाल बालो, तुम वहां जाकर कुछ भोजन मांग लाओ। उनसे मेरे बड़े भाई भगवान बलराम का तथा मेरा भी नाम बतलाना और बताना कि उन्होंने ही हम लोगों को भेजा है। भगवान से यह आदेश पाकर ग्वाल बालों ने वहां जाकर निवेदन किया। वे ब्राह्मणों के समक्ष विनयपूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहे और फिर भूमि पर लेटकर उन्हें नमस्कार किया। ग्वाल बालों ने कहा कि हे पृथ्वी के देवताओं, कृपया हमारी बात सुने। हम ग्वाल बाल कृष्ण का आदेश लेकर आए हैं और हमें बलराम ने यहां भेजा है। हम आपका कल्याण चाहते हैं, आप हमारा आगमन स्वीकार करें। भगवान राम तथा भगवान अच्युत्य यहां से निकट ही अपनी गौवे चरा रहे हैं। वे भूखे हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें अपने पास से कुछ भोजन दें। अतः हे ब्राह्मणों, हे धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, यदि आपकी श्रद्धा है तो उनके लिए कुछ भोजन दे दे। हे शुद्धतम ब्राह्मणों, यज्ञकर्ता की दीक्षा तथा वास्तविक पशु यज्ञ के मध्य की अवधि को छोड़कर तथा शौत्रामणि के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में दीक्षित व्यक्ति के लिए भी भोजन करना दोषित नहीं है। ब्राह्मणों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से किए गए इस निवेदन को सुना, फिर भी उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। दरअसल वे क्षुद्र भावनाओं से पूरित थे और विस्तृत कर्म कांड में लगे थे। यद्यपि वे वैदिक ज्ञान में अपने को बढ़ा चढ़ा मान रहे थे, किंतु वास्तव में वे अनुभव विहीन मूर्ख थे। यद्यपि यज्ञ करने की सारी सामग्री, स्थान, समय, विशेष सामग्री, मंत्र, अनुष्ठान, पुरोहित, अग्नि, देवता, यजमान, हवि तथा अभी तक के देखे गए लाभकारी परिणाम, ये सभी भगवान के ऐश्वर्य के विविध पक्ष हैं, किंतु ब्राह्मणों ने अपनी विकृति बुद्धि के कारण भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा। वे यह न समझ पाए कि वे परम ब्रह्म हैं, साक्षात भगवान हैं, जिन्हें भौतिक इंद्रिया सामान्य रूप से अनुभव नहीं कर पाते। अतः मर्त्य शरीर से अपनी झूठी पहचान करने से मोहित उन सबों ने भगवान के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। जब वे ब्राह्मण हां या ना में भी उत्तर नहीं दे पाए तो हे परंतप परीक्षित, सारे ग्वाल बाल निराश होकर कृष्ण तथा राम के पास लौट आए और उनको यह बात
बताई। जो कुछ हुआ था उसे सुनकर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हंसने लगते हैं। तत्पश्चात उन्होंने पुनः ग्वाल बालों को इस जगत में जिस तरह लोग कर्म करते हैं उस मार्ग को दिखलाते हुए संबोधित किया। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण पत्नियों से कहो कि मैं संकर्षण समेत यहां आया हूं, वे अवश्य ही तुम्हें जितना भोजन चाहोगे उतना देंगे, क्योंकि वे मेरे प्रति अत्यंत स्नेहमयी है, वे अपनी बुद्धि से मुझ में ही निवास करती हैं। तब ग्वाल बाल उस घर में गए जहां ब्राह्मण पत्नियां ठहरी हुई थी। वहां उन बालकों ने उन सती स्त्रियों को सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर बैठे देखा। बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करते हुए विनित भाव से उन्हें संबोधित किया। ग्वाल बाल कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मणों की पत्नियों, आपको हमारा नमस्कार है, कृपया हमारी बात सुने। हमें भगवान कृष्ण ने यहां भेजा है, जो यहां से कुछ ही दूर से होकर जा रहे हैं। वे ग्वाल बालों तथा बलराम के साथ गौए चराते हुए बहुत दूर निकल आए हैं, अब वे भूखे हैं, अतएव आप उन्हें तथा उनके साथियों के लिए कुछ भोजन दे दे। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण का दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहती थी, क्योंकि उनके मन भगवान की कथाओं से मुग्ध ही चले थे। अतः जब ही उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हैं, वे अत्यंत उतावली हो उठी। बड़े बड़े पात्रों में उत्तम स्वाद तथा सुगंध से पूर्ण चारों प्रकार का भोजन लेकर सारी स्त्रियां अपने प्रियतम से मिलने उसी तरह आगे बढ़ चले जिस तरह नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। यद्यपि उनके पतियों, भाइयों, पुत्रों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका, किंतु कृष्ण के दिव्य गुणों का दीर्घ काल से श्रवण करते रहने से कृष्ण को देखने की उनकी आशा विजयी हुई। उन्होंने यमुना नदी के किनारे अशोक वृक्षों की कोपलों से सुशोभित एक बगीचे में ग्वाल बालों तथा अपने बड़े भाई बलराम के साथ विचरण करते हुए कृष्ण को देख लिया। उनका रंग श्यामल था और वस्त्र सुनहले थे। वे मोर पंख, रंगीन खजीन फूल की कलियों का गुच्छा तथा जंगलों के फूलों और पत्तियों की वनमाला धारण किए हुए नाटक के नर्तक की भांति वेश बनाए थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्रों के कंधे पर रखे थे और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे थे। उनके कानों में कुमुदनियां सुशोभित थी, उनके बाल गालों पर लटक रहे थे, उनका कमल सदृश मुख हंसी से युक्त था। हे नरेंद्र, उन ब्राह्मण पत्नियों ने दीर्घ काल से अपने प्रिय कृष्ण के विषय में सुन रखा था और उनका यश उनके कानों का स्थायी आभूषण बन चुका था। उनके मन सदैव उन्हीं में लीन रहते थे। अब उन्होंने अपने नेत्रों के छिद्रों से होकर उन्हें अपने हृदय में प्रविष्ट कर लिया और फिर दीर्घ काल तक अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन करती रही। इस तरह अनंतः उनकी वियोग पीड़ा उसी प्रकार जाती रही जिस प्रकार की मुनि गण अपने अंतःकरण का आलिंगन करने से मिथ्या अहंकार की चिंता त्याग देते हैं। समस्त प्राणियों के विचारों के साक्षी भगवान श्री कृष्ण यह समझ गए कि किस तरह अपनी सारी संसारिक आशाओं का परित्याग करके ये स्त्रियां केवल उन्हें ही देखने आई हैं। अतः अपने मुख पर हंसी लाते हुए उनसे उन्होंने इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे परम भाग्यशालिनी महिलाओं, स्वागत है। कृपया आराम से बैठे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप मुझे देखने के लिए यहां आई, यह बहुत ही उपयुक्त है। निश्चय ही कुशल लोग जो अपने असली लाभ को देख सकते हैं, वे मेरी अहेतु की तथा अविच्छिन्न भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूं। आत्मा के संपर्क से ही जीव का प्राण, बुद्धि, मन, मित्रगण, शरीर, पत्नी, संतान, संपत्ति इत्यादि उसे प्रिय लगते हैं। अतएव अपने आप से बढ़कर कौन सी वस्तु अधिक प्रिय हो सकती है? अतएव तुम लोग यज्ञ स्थल को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति जो कि विद्वान ब्राह्मण हैं, गृहस्थ हैं, उन्हें अपने अपने यज्ञ संपन्न करने के लिए तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता होगी। ब्राह्मण पत्नियां उत्तर देती हैं, हे विभो, आप ऐसे कटु वचन ना कहें। आपको चाहिए कि आप अपने उस वचन को पूरा करें कि आप अपने भक्तों को सदैव प्रतिदान करते हैं। चूंकि अब हम आपके चरणों को प्राप्त हैं, अतः हम इतना ही चाहते हैं कि हम वन में ही रहती जाएं, जिससे हम तुलसी दल की उन मालाओं को अपने सिरों पर धारण कर सके, जिन्हें आप उपेक्षा पूर्वक अपने चरण कमलों से ठुकरा देते हैं। हम अपने सारे भौतिक संबंध त्यागने को तैयार है। अब हमारे पति, माता पिता, पुत्र, भाई, अन्य संबंधी तथा मित्र हमें वापस नहीं लेंगे, और अन्य कोई हमें किस तरह शरण देने को तैयार हो सकेगा, क्योंकि अब हमने अपने आप को आपके चरणों पर पटक दिया है और हमें कोई अन्य गंतव्य नहीं है। अतएव हे अरिंदम, हमारी इच्छा पूरी कीजिए। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपनी टीका में कहते हैं कि ब्राह्मण पत्नियों ने अपनी युवावस्था से ही वृंदावन के स्त्रियों के मुख से भगवान कृष्ण के रूप, गुण तथा माधुर्य का वर्णन सुन रखा था। मालिनों, तंबोलिनियों तथा अन्यों से भी सुना था, अतः उन्हें कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम रति का अनुभव होता था, और वे गृह कार्यों से अन्य मनस्क रहती थी। उनके पति उन्हें इस तरह निठल्ली देखकर संदेह करते थे और उनसे बातचीत करने से कतराते थे। अब ये ब्राह्मण पत्नियां अपने तथा कथित परिवारों तथा पड़ोसियों का नियमित रूप से बहिष्कार करने को सन्नद्ध थी, और अति क्षोभ के कारण वे कृष्ण के चरणों पर अपने सिर रखकर चीख रही थी और उन्हें नमस्कार कर रही थी। इस तरह और रुद्ध वाणी से उन्होंने उपयुक्त बातें कहती हैं। भगवान फिर उत्तर देते हुए कहते हैं ब्राह्मण पत्नियों से, तुम यह विश्वास करो कि न तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रु भाव रखेंगे, नहीं तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, अन्य संबंधी जन या आम जनता। मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा, यहां तक कि देवता गण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे। तुम सबों का मेरे शारीरिक सानिध्य में रहना निश्चय ही इस जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को ही बढ़ा सकोगे। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को मुझ पर स्थित करो और इस तरह सिद्ध ही तुम मुझे पा सकोगे। मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने तथा मेरे नाम तथा महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम
बढ़ता है, भौतिक सानिध्य से नहीं। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि इस तरह आज्ञा पाकर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ स्थल पर लौट गई। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में कोई दोष नहीं निकाला और उन्होंने उनके साथ साथ यज्ञ पूजा किया। उनमें से एक महिला को उसके पति ने जबरदस्ती रोक रखा था। जब उसने अन्यों के मुख से भगवान कृष्ण का वर्णन सुना तो उसने अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन किया और अपना वह भौतिक शरीर त्याग दिया जो भाव बंधन का कारण था। भगवान गोविंद ने ग्वाल बालों को वह चार प्रकार का भोजन कराया। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान ने भी उन व्यंजनों को खाया। इस तरह अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने मानव समाज की रीतियों का अनुकरण किया। उन्होंने अपनी गौओं, ग्वाल मित्रों तथा गोपियों को अपने सौंदर्य, वाणी तथा कर्मों से प्रमोदित करते हुए आनंद भोग किया। तब ब्राह्मणों को चेत हुआ और ये बहुत अत्यधिक पछताने लगे। उन्होंने सोचा, हमसे बहुत पाप हुआ है, क्योंकि हमने सामान्य मनुष्य के वेश में प्रकट हुए ब्रह्मांड के दो स्वामियों की याचना अस्वीकार कर दी। अपनी पत्नियों की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य भक्ति और अपने को उस भक्ति से विहीन देखकर उन ब्राह्मणों को अतीव खेद हुआ और वे अपने आप को धिक्कारने लगे। ब्राह्मण कहते हैं, धिक्कार है हमारे तिबार जन्म को, हमारे ब्रह्मचर्य तथा हमारी विपुल विद्वता को, धिक्कार है हमारे उच्च कुल तथा यज्ञ अनुष्ठान में हमारी निपुणता को। इन सब को धिक्कार है, क्योंकि हम भगवान से विमुख है। भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है, तो हमारी क्या पिसात है। ब्राह्मण होने के नाते हम सभी जाति के लोगों के अध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, फिर भी हम अपने सच्चे स्वार्थ के बारे में मोहित हो गए। जरा इन स्त्रियों के असीम प्रेम को तो देखो, जो इन्होंने अखिल विश्व के अध्यात्मिक गुरु भगवान के प्रति उत्पन्न कर रखा है। इस प्रेम ने गृहस्थ जीवन के प्रति उनकी आसक्ति, मृत्यु के बंधन को छिन्न कर दिया है। इन स्त्रियों ने न तो द्विजों के शुद्धिकरण संस्करण कराए हैं, ना ही किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारियों का जीवन बिताया है, ना इन्होंने कोई तपस्या की है या आत्मा के विषय में मनन किया है या स्वच्छता की औपचारिकताओं का निर्वाह अथवा पावन अनुष्ठानों में अपने को लगाया है। तो भी इनकी दृढ़ भक्ति उन भगवान कृष्ण के प्रति है, जिनका यशोगान वैदिक मंत्रों द्वारा किया जाता है और जो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। दूसरी ओर हम हैं जिन्होंने भगवान की कोई भक्ति नहीं की, यद्यपि हमने इन सारी विधियों को संपन्न किया है। निस्संदेह हम लोग गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के असली लक्ष्य से पूरी तरह विपत्त हो गए हैं, किंतु अब जरा देखो तो कि भगवान ने किस तरह इन सीधे साधे ग्वाल बालों के शब्दों से हमें समस्त सच्चे ब्रह्मवादियों के चरम गंतव्य का स्मरण दिलाया है। अन्यथा पूर्ण काम, मोक्ष तथा दिव्य आशीर्वाद के स्वामी परम नियंता हमारे साथ यह विडंबना क्यों करते। हम तो सदैव उन्हीं के निमंत्रण में रहने के लिए ही हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की आशा से सब कुछ एक ओर रखकर अपना गर्व और
चंचलता त्याग कर एकमात्र उन्हीं की पूजा करती है। ऐसे भगवान यदि याचना करते हैं तो यह अवश्य ही सबको चकित करने वाली बात है। यज्ञ के सारे पक्ष, शुभ स्थान तथा समय, साज सामग्री की विविध वस्तुएं, वैदिक मंत्र अनुष्ठान, पुरोहित तथा यज्ञ की अग्नियां, देवता, यज्ञ अधिष्ठाता, यज्ञ हवि तथा प्राप्त होने वाले शुभ फल, ये सभी उन्हें के ऐश्वर्य के अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि हमने योगेश्वर के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विषय में यह सुन रखा था कि उन्होंने यदु वंश में जन्म ले लिया है, किंतु हम इतने मूर्ख थे कि श्री कृष्ण को साक्षात भगवान नहीं समझ पाए। हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जिनकी बुद्धि कभी भी मोहग्रस्त नहीं होती, और हम हैं कि माया शक्ति द्वारा मोहित होकर सकाम कर्म के मार्गों पर भटक रहे हैं। हम भगवान कृष्ण की माया शक्ति से मोहग्रस्त है, अतएव हम आदि भगवान के रूप में उनके प्रभाव को नहीं समझ सके। अब हमें आशा है कि वे कृपा पूर्वक हमारे अपराध को क्षमा करेंगे। इस प्रकार कृष्ण की उपेक्षा करने से उनके द्वारा जो अपराध हुआ था उनका स्मरण करते हुए उनका दर्शन करने के लिए वे अति उत्सुक हो उठे, किंतु कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें ब्रज जाने का साहस नहीं हुआ। प्यारे मित्रों, कृष्ण प्रेम का जो भाव है सच में आत्मा को गदगद करने वाला है, आत्मा तृप्त हो जाता है। बोले जय जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्ण।